विजयगढ़ का राजा बहुत ही चिंता में अपने दिन काट रहा था। वजह, उसके खुशहाल राज्य में एक राक्षस के अत्याचार के चलते सुख शांति नहीं थी। एक राक्षस 3 महीने सोता था और नींद खुलते ही जंगल की राह पकड़कर नगर में घुसकर जिसे भी सामने पाता उसको ही खा जाता। 3 महीनों में विजयगढ़ के 300 मनुष्य, 3000 गाय भैंसे खाई है मैंने। अब तो मैं 3 महीने तक सोऊंगा, चैन से 3 महीने सोने के बाद फिर से फिर से मनुष्यों को खाऊंगा, खाऊंगा, खाऊंगा। एक दिन राजा को भी खाऊंगा। बहुत नींद आ रही है, अब तो सो ही जाता हूं। ए, सुनाई पड़ा? वो शैतान राक्षस खराटे ले रहा है। ओ, ओ, अब 3 महीने निश्चिंत। लेकिन उसके बाद? 3 महीने बीतने के पहले ही मैं दूसरे राज्य चला जाऊंगा। एक दिन देखना, सारी प्रजा भागकर अपनी जान बचाएगी, और नहीं भागेगी तो राक्षस के हाथों मारी जाएगी। महाराज, हमारे देश के बहुत सारे लोग ये देश छोड़कर दूसरे देश चले जा रहे हैं उस राक्षस के डर से। जानता हूं दूत, ये तो बड़ा अद्भुत संकट है। मैं राजा होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा करने का रास्ता नहीं खोज पा रहा हूं। मंत्री, कोई उपाय सोचकर निकाला? जी नहीं महाराज, सेना और सिपाही डर के मारे दुबके हुए हैं। सेनापति अपनी नाकाबिलियत की जिम्मेदारी मानकर अपना पद त्याग भी करने को तैयार है, लेकिन ये सब तो कोई उपाय नहीं है महाराज। एक काम करें, राज्य में घोषणा करवा दें, उस राक्षस को मारकर जो व्यक्ति मेरे राज्य की प्रजा की रक्षा कर पाएगा उसके साथ मैं अपनी इकलौती बेटी रूपमती का ब्याह करवाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, राक्षस अभी गहरी नींद में है, बस है 3 महीने का ही अवकाश। नींद खुली तो करेगा सबका सर्वनाश। इस देश में हो कोई बहादुर अगर, उसे बतानी है ये बात, राक्षस को मार बन जाओ राजा का दामाद। आ गए फन्नी खां, अब आएंगे 30 मार खां। राज्य की सेना, सेनापति सब हार मान गए, राक्षस को नहीं मार पाए, अब कौन मारेगा? अरे अरे, ये सब कुछ नहीं, राजा दिखा रहे हैं मैं प्रजा के लिए कितना फिक्रमंद हूँ। ठीक कहा, आप लोग ठीक नहीं कह रहे हैं। ए, तुम कौन बदतमीज बालक हो? क्या क्या जानते क्या हो उस बारे में हैं? मेरा नाम अजय है। सच में वो राक्षस नहीं मर सकता, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुशलता के साथ किसी भी शक्ति को परास्त किया जा सकता है। तो बच्चे,
इतना जब जानते हो, खुद ही एक बार कोशिश करके देखो ना। वो तो करूंगा, एक बार तो कोशिश करूंगा। अगर राक्षस को मारकर इस देश की प्रजा को बचा सकूं, मैं भीम देश का नागरिक हूं। लोगों से सुनकर आज ही इस राज्य में आया हूं। आप राजमहल किस तरफ है बता सकते हैं? हाँ, वो तो पता है, वो पकड़ लो रास्ता। वो उस तरफ और यमलोक मतलब राक्षस का डेरा उस तरफ। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। तुम बोलते हो राक्षस को मार पाओगे? जी हाँ महाराज। लेकिन तुम्हारा हथियार कहाँ है? महाराज, मेरा हथियार मेरी बुद्धि है। बुद्धि? बुद्धि से क्या राक्षस मारा जाता है? सिर्फ बुद्धि से काम पूरा नहीं होता महाराज, मुझे कुछ लोगों की भी जरूरत होगी। तो लोग भी तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारी योजना भी तो सुनूं। बोलूंगा महाराज, बोलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उस राक्षस के डेरे के पास जाना चाहूंगा। साथ में आपके कुछ सैनिक भी जाएं तो उन्हें क्या करना होगा मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं भी तुम्हारे संग जाना चाहूंगा। जरूर जरूर, चलिए महाराज। तो फिर आज की रात तुम मेरे महल में ही आराम करो, कल सुबह हम रवाना होंगे। बस बस, और आगे जाना ठीक नहीं है। लेकिन महाराज, राक्षस तो अभी सो रहा है, उसकी नींद खुलने में अभी भी 2 महीने बाकी हैं। हैं तो हैं, हम उसके बेहद नजदीक आ गए हैं। उस राक्षस के खर्राटों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। तो महाराज, उन 2 पहाड़ों के बीच में जो पतला रास्ता है, मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कुछ सैनिक तंबू गाड़कर यहीं मेरे साथ रह जाएं। उस रास्ते से होकर एक बड़ा गड्ढा बनाना होगा, पहाड़ी मार्ग है, खोदने में वक्त लगेगा। वो तो समझा। उसके बाद? मुझ पर भरोसा रखें महाराज, समय होने दें, सब बताऊंगा। तुम्हारे कहे अनुसार ही काम होगा अजय। अब तुम ही मेरा और मेरे राज्य का अंतिम भरोसा हो। वाह, अब कौन कहेगा इस रास्ते के नीचे गड्ढा है? अब महाराज, इसके बाद की योजना सुनिए। दोनों पहाड़ों की ढलान पर बड़े बड़े पत्थर आपके सैनिक इस तरह से अटका कर रखेंगे कि जरूरत पड़ने पर उसे लुढ़काकर नीचे फेंक सकेंगे। अरे वाह, यानी वो पत्थर नीचे लुढ़क कर इस गड्ढे में ही गिरेंगे, यही ना? ठीक, अब सारा काम इसी अनुसार हो। 2 दिन बाद ही मैं जाऊंगा उस राक्षस की नींद तोड़ने। ना, ऐसी भूल मत करना अजय। कच्ची नींद से जागने पर राक्षस क्रोधित होकर भयंकर उठेगा। कच्ची नींद जगने पर राक्षस गुस्सा तो जरूर होगा, और मैं भी तो यही चाहता हूँ। मतलब? गुस्सा अकल का दुश्मन, अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। और वैसे पागल होकर जब वो उस रास्ते दौड़ा हुआ आएगा, मेरे फंदे में वो फंसेगा ही, और तब जाकर मेरी योजना सफल होगी। मुझे चाहिए एक तेज घोड़ा और एक तलवार। तुम्हें जो भी सामान चाहिए सब मिलेगा। मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूं अजय। मुझे
मुझे आशीर्वाद दे महाराज। क्या बड़ा खर्राटे लेके सो रहे हो? अरे पाजी राक्षस, अब तुम्हारी अंतिम नींद का समय आ गया है। उठ उठ। हे भगवान, क्या गहरी नींद है इसकी। और जोर से चुभोता हूँ इसको, तब देखूं कैसे सोता है। कौन है रे? मेरी कच्ची नींद तोड़ दी। मैं हूँ रे शैतान। तुझे मरने से डर नहीं लगता? रुक जा, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। भाग कर बच जाएगा सोचा है? बेवकूफ डरपोक कहीं का। तू मेरे हाथों भी मरेगा। अरे पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। अरे पकड़ के दिखा मुझे। आजा आजा आजा। अरे क्या हुआ? अब तू मेरे चंगुल में आएगा। दौड़। बचेगा अरे, कैसे पता नहीं जा रहा क्या? अरे यहां गड्ढा आया कैसे? लगता है मुझे फंसाने की योजना है। सोचता है मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। सैनिकों सुनो, एक एक करके सब पत्थर फेंकना शुरू करो तुम सब। आ आ मर गया। ओ बड़े भैया, बचाओ मेरे भैया। सुन बदमाश, मैं तो मरूंगा लेकिन मेरा दो सर वाला भैया वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे बारे में सुनते ही दौड़ कर आएगा। चलो काम पूरा। मैं बहुत खुश हूं अजय, तुमने अपना वचन निभाया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, रूपमती के साथ तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन अभी उचित समय नहीं आया महाराज। क्यों? उस राक्षस का भाई दो सर वाला राक्षस सब कुछ सुनकर मुझे ढूंढेगा जरूर, इसलिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर मैं ये विवाह नहीं करूंगा। इससे राजकुमारी रूपमती का जीवन भी मुसीबत में आ सकता है महाराज। तो फिर मैं चाहता हूं इस दो सर वाले राक्षस को पहले मार लूं, उसके बाद ही मैं विवाह करूंगा। वो राक्षस मुझे खोजे उससे पहले मैं उसके पास जाना चाहता हूं। वो रहता कहां है महाराज? मैंने खबर निकलवाई है, वो रहता है पश्चिमी पहाड़ी के एक महल में। मैं कुछ सैनिक और जलने वाला तेल लेकर वहां जाना चाहता हूं। कब? कल सुबह ही महाराज। सेनापति आप यहीं पर रुकिए, मैं बातों में फंसाकर राक्षस को महल के अंदर ही रोक दूंगा। तब तक आप लोग इस जलने वाले तेल के पीपे में से महल के चारों तरफ तेल बिखेर देना। जैसी आज्ञा। कौन है रे तू? मेरे महल में घुस आया है? मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ, तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। भाई का मित्र? क्या खबर है उसकी? कैसा है वो? बड़ी ही दुख की बात है, तुम्हारे भाई को विजयगढ़ की सेना ने मार डाला है। क्या? मेरा भाई मारा गया? मैं छोड़ूंगा नहीं उस विजयगढ़ के राजा और उसकी सेना को। वो तुम्हें मारने के लिए इसी तरफ आ रहे हैं, तभी तो तुम्हें खबर देने आया है। मुझे मारना इतना आसान है? मैं अकेला ही 500 सैनिकों को मार सकता हूँ। लेकिन 2000 की सेना लेकर सेनापति इस तरफ आ रहा है, बचना चाहते हो तो भागो। ना, मैं ये महल छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। तो फिर यहाँ कोई गुप्त कोठरी नहीं है? गुप्त कोठरी है ना एक। तो फिर आज के लिए वहीं छिपकर रहो,
तुम नहीं मिलोगे तो सैनिक लौट जाएंगे, तब तब मौका देखते ही पीछे से उन पर आक्रमण कर देना। हाँ, बहुत बढ़िया, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। सेनापति, आपका काम खत्म हो गया? जी हाँ, महल के चारों तरफ दीवार पे तेल डाल दिया गया है। तो फिर चलो, हम सुरक्षित दूरी पर चलें। इस प्रकार अजय की बुद्धि के दम पर विजयगढ़ राज्य की प्रजा को राक्षस के हाथ से मुक्ति मिली। राजा ने खुश होकर उनकी इकलौती बेटी रूपमती के संग अजय का ब्याह करवाया। सारा राज्य आनंद और उल्लास से भर गया। अब ये कहानी हुई खत्म, लड्डू पेड़े खाएंगे हम।